नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए COVID-19 चल रहा भयंकर तरीके से और आप लोगों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है। आप लोग जो UAE दुबई में जो रह रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या दुबई में क्या है, रहने की समस्या है। खाने का आदमी एडजस्ट कर लेता है, महीने में 200-250 दराम में महीना निकल जाता है, लेकिन रहना बहुत महंगा पड़ जाता है। काफ़ी सारे दुनिया 60% लोग रेंट से रहती है। जी हाँ, दुबई में इंडियन मान लीजिए कोई भी कंट्री का वर्कर है दूसरे कंट्रियों के, वो दुबई में रेंट से रहते हैं लगभग, ठीक है। तो उनके लिए रेंट सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है जब उनके पास जॉब नहीं होती है। एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, मान लीजिए COVID-19 के दौरान कंपनी ने या आपके मालिक ने आपको जॉब से निकाल दिया, या जॉब आपके पास नहीं है, आपकी नौकरी खत्म हो चुकी है, जॉब से आपके मालिक की तरफ से कंपनी की तरफ से आपके पास जॉब नहीं है, ये मान के चलिए, और कंपनी आपको क्या करती है कि फिर बिठा रख देती है आपके रूम में, तो आपके पास सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि आपका रूम रेंट। जी हाँ साथियों, आपका जो आवास भत्ता है उसका क्या किया जाए, क्योंकि सैलरी आपकी उतनी नहीं होती जितना आपका किराया लग जाता है। 2000 दराम, 3000, 4000 दुबई दराम, आपको पता है मंथली फ्लैट का खर्चा आपको पता है दुबई में लग जाता है। अगर शेयरिंग में भी रहते हैं तो भी 1000 रुपये महीना लग जाता है, तो कितना महंगा पड़ता है बंदे को। अगर 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने रुकना पड़े तो उसको तो घर से मंगाना पड़ेगा। उस स्थिति में आपके पास कानूनी विकल्प क्या है? जी हाँ साथियों, दुबई लेबर लॉ क्या कहता है कि आपको किस तरह से फॉलो करना चाहिए ताकि आपका समाधान हो जाए, इससे रिलेटेड हम आगे पूरी बातें बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और फेसबुक पेज वाले भी भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दुबई में साथियों, आपको पता है 2020 में कानून बना दुबई लेबर लॉ, UAE दुबई लेबर लॉ 279। जी हाँ साथियों, 279 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, लेबर लॉ के अकॉर्डिंग। उसमें मैं बता दूं कि मान लीजिए कंपनी ने आपको बिठा दिया, आप रूम पे बैठे हैं, सैलरी आपको कंपनी ने जितना था आपको दे दिया, सैलरी आपके पास है पॉकेट में, उसके बावजूद बहुत सारी आपने देखा होगा कंपनियां छुट्टी देने के बहाने लोगों को घर बिठा देती है, क्योंकि वो कई बार पासपोर्ट नहीं मिलता, कई बार सैलरी नहीं मिलता, पेंडिंग में रख लेते हैं, उसका हिसाब नहीं होता, तो बंदे को रुकना उसकी मजबूरी हो जाती है। उसके दौरान कंपनी का क्या जिम्मेदारी बनता है, UAE लेबर लॉ क्या बोलता है मैं बता दूं। उसके दौरान अगर कंपनी की तरफ से आप वहां पे बैठे हो तो जो आपका आवास का जो चार्ज है, ठीक है, आप अगर रेंट से रह रहे हो तो आवास का चार्ज आपकी कंपनी को आपके मालिक को देने का प्रावधान इसमें बताया गया है। जी हाँ साथियों, तो आप इसमें ये आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखिए होता क्या है कि जब तक दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास, जो ऑप्शन होते हैं उस आधार पे आपको किराए भत्ते की मांग आप कर सकते हैं। या तो ये होता है कि आप बिना जॉब वहाँ बैठे हो, आपको कंपनी इंडिया भेज दे, वो आपको टिकट दे, या टिकट के आपकी जो भी कन्वर्सेशन है वो करें, टिकट कंपनी नहीं दे पा रही है या उनका कुछ भी आपका रीज़न है, उस दौरान कंपनी की वजह से वहाँ पे बैठे हो तो खर्चा कंपनी का लगेगा आपका रूम रेंट का, ठीक है। या फिर ये हो जाता है कि भाई कंपनी ने आपको बोल दिया आप दूसरा जॉब ढूंढ लो, जब तक आप दूसरा जॉब नहीं लग जाते UAE में तब तक का किराया आपको आपका जो पहले वाली कंपनी में आप काम कर रहे थे, जिसके मालिक के पास काम कर रहे थे, उसको देने का हक बनता है। जी हाँ साथियों, और उसमें मैं बता दूं, आपके माइंड में ये सवाल होगा कि कंपनी में आपकी 6 महीने की तनख्वाह पड़ी है तो वो अभी आपको दे रहे हैं 1000 दराम, 2000 दराम, आपको पता लगे आपका अंत सेवा बोनस में आपकी वो पैसा काट लिया जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। दुबई लेबर लॉ ये बोलता है कि जो पैसा आपका सैलरी का कंपनी में बकाया है उसमें से अगर वो आपको रूम रेंट देते हैं तो बिल्कुल नहीं काट सकते। हाँ, अगर कंपनी ने आपको एडवांस दे रखी है सैलरी, आपके मालिक ने आपको एडवांस दे रखा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा में सैलरी के अलावा कुछ पैसा आप में निकलता है, तो उसमें वो ज़रूर आपका पैसा काट सकते हैं कि भाई हम आपके इतना पैसा मांगते हैं, हमने आपका रूम रेंट में आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। दुबई रोजगार अधिनियम 135 की अकॉर्डिंग आपकी एडवांस अगर कंपनी आपका मालिक आपको सैलरी वगैरह के अलावा कुछ धन देता है, कुछ पैसा आपको देता है, तो वो उसमें काटने का हकदार वो कंपनी वो नियुक्ता हो सकता है जिसमें आपको एडवांस दिया गया पैसा, धारा 135 में वो आपका पैसा एडवांस में दिया गया वो काट सकता है। फिर भी मान लीजिए ये सिस्टम नहीं होता है तो भाई आपका आपका ऑप्शन बनता है, आप मोहरे में इनकी शिकायत कर सकते हैं कंपनी की, कंपनी का मालिक जो भी है नियुक्ता है उसके खिलाफ आप उसमें एक्शन ले सकते हैं लेबर लॉ कोर्ट में, तो उसके माध्यम से भी आपका समाधान हो जाता है। आपका जो भी आपका रूम रेंट है, आपका भत्ता है, वो उनकी तरफ से देने का पूरा पूरा प्रावधान बताया गया है। तो भाई आपके साथ अगर आप दुबई में रह रहे हैं, आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन हो, तो आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी
जिम्मेदारी है कि वो आपका जितना भी आपकी सैलरी के अलावा जो आपका बोनस वहाँ पे जो रूम रेंट लग रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी रहेगी कि उनकी वजह से आप बैठे हो। तो आप जब तक जॉब नहीं लग जाते वहाँ पे तब तक उनका देने का फ़र्ज है, या फिर आपको वो इंडिया नहीं भेज देते तब तक देने का फ़र्ज है। नहीं देते तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि विदेश से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।